एक मिनट के अंदर आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हो, कैसे, चलो इस वीडियो में जानते हैं। तो उसके लिए जस्ट हम फेसबुक में आ जाते हैं यहाँ पे, और ये रही मेरी एक आईडी जिसका नाम है मनीष दुबे। वाई हटा दिया था क्योंकि एक वीडियो में मुझे नेम चेंज करके बताना था, वैसे मेरे सरनेम में वाई भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आईडी है और ये मेरे पास लॉगिन है, और मुझे इसका पासवर्ड पता नहीं है, बट मुझे इसका पासवर्ड पता करना है, और यही चीज़ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो मैं आपको ये ट्रिक बताऊँ से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड क्यों पता करना चाहते हो, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि क्या रीजन है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक जरूर से कर दो, क्योंकि लाइक करने से इस तरीके की और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको जो स्टेप्स बता रहा हूं मेरे साथ साथ करना है। उसके लिए सिंपली क्या करो कि ये वाली जो वीडियो किसी और फोन में चला लो, मेरे साथ साथ स्टेप्स करते जाओ, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। अब हम इस आईडी का पासवर्ड पता करेंगे, तो उसके लिए जस्ट हमको क्या करना है कि अपने फोन की सेटिंग में आना पड़ेगा। सेटिंग हम यहां से सर्च भी कर सकते हैं या फिर यहां से भी सेटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। जहां से आपको बेहतर लगता है सेटिंग में जाने के लिए, वहां से आप सेटिंग में जा सकते हैं। और मेरी आवाज थोड़ी सी आपको चेंज लग रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी बैठी लग रही होगी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हमें वीडियो बनानी है इसीलिए हम वीडियो जरूर से बनाएंगे। तो हमें सिंपली सेटिंग में आ जाना है, देन सेटिंग में हम जैसे आएंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है, देन यहां पर आपको गूगल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ये लोडिंग हो जाए तब मैं आपको ऑप्शन बताऊं। और उसके बाद आपको ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर देना है, ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको ऑटो फिल पे क्लिक करना है, देन ऑटो फिल विद गूगल पे क्लिक करना है, देन यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज गूगल पासवर्ड मैनेजर, तो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे तो आपको फेसबुक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो सर्च कर लेना, देन आप फेसबुक के ऑप्शन पे टैप करोगे, अगर आपसे पासवर्ड मांगता तो पासवर्ड लगा दो, बट भाई मेरे फोन में तो फिंगरप्रिंट है तो हम फिंगरप्रिंट लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा यहां पे फेसबुक का पासवर्ड आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो मैं जैसे आई बटन पे क्लिक करूंगा मुझे मेरा पासवर्ड दिख जाएगा, तो यहां से मैं कॉपी भी कर सकता हूं। तो ये पहला मेथड हो गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूं। दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, सिंपली अपनी जीमेल में आ जाना है। जीमेल में यहां पे हम आ जाएंगे, देन इस तरीके से हमारी जीमेल ओपन होगी। उसके बाद हमें जीमेल वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है जीमेल की, देन आपको गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। गूगल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है ताकि ये इस तरीके का पेज लोडिंग हो जाए, देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में आ जाना है। सिक्योरिटी में आने के बाद आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है, देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड मैनेजर, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फेसबुक के ऑप्शन पर टैप करके पासवर्ड लगा के अपना पासवर्ड यहाँ से देख सकते हो और यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ, उसके लिए जस्ट आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। बाय द वे आप क्रोम किस लिए यूज़ करते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं तो भाई अच्छे काम के लिए क्रोम यूज़ करता हूँ, आप किसके लिए यूज़ करते हैं कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा। देन आपको थ्री डॉट्स पे इस तरीके से क्लिक कर देना, ऊपर राइट साइड टॉप कॉर्नर पे दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, देन आपको सेटिंग्स में चले जाना है, देन यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पासवर्ड मैनेजर, इस पे चले जाना है, एंड इस तरीके से यहां पे फिंगरप्रिंट लगा के अपना फेसबुक का पासवर्ड यहां से देख सकते हैं, यहां से कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आपको यहां पे आपका पासवर्ड नहीं मिलता है तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं विदाउट ओल्ड पासवर्ड, यानी कि आपको पुराने पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है, आप इजीली नया पासवर्ड बना पाएंगे विदाउट ओल्ड पासवर्ड। बहुत सिंपल ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि उन लोगों को दिक्कत ना आए जिनको पासवर्ड यहां पे नहीं मिला है ना। तो जस्ट को फेसबुक में आ जाना इस तरीके से। अब फेसबुक में आने के बाद हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, हमें इस तरीके से यहां पे सेटिंग्स में चले जाना होगा। अब सेटिंग्स में जाने के बाद हमें क्लिक करना है सी मोर इन अकाउंट सेंटर, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, देन हमको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में चले जाना है, देन यहां पे हमें क्लिक करना है चेंज पासवर्ड पे, है ना। अब यहां पे हमें अपनी फेसबुक आईडी सिलेक्ट करनी होगी, हो सकता है यहां पे आपको ढेर सारी आईडी आ रही हो, अब आपको उस आईडी को सिलेक्ट करना है जिसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे भाई मनीष दुबे वाली आईडी का पासवर्ड चेंज करना है, तो इस पे हम सिलेक्ट करेंगे, देन यहां पे हमें तो भाई अपना ओल्ड पासवर्ड तो पता ही नहीं है ना, करंट पासवर्ड मांग रहा है तभी चेंज होगा, बट यहां पे हमें सिंपली क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट योर पासवर्ड, क्योंकि हमें ओल्ड पासवर्ड याद नहीं है तो ये ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। नीचे बिल्कुल छोटे से अक्षरों में दिखेगा, छोटे छोटे अक्षरों में, दैट इज फॉरगेट योर पासवर्ड, है ना, इस पे हमें क्लिक कर देना है। देन आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पे इस तरीके का ऑप्शन मेरे इसमें डायरेक्ट आ गया कि मुझे 6 डिजिट का कोड एंटर करना है, बट आपके में क्या होगा कि आपके इसमें मल्टीपल ऑप्शन आएंगे व्हाट्सएप का, नंबर का, तो जिस पे भी आपको कोड चाहिए वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। मेरे इसमें सिर्फ जीमेल ऐड थी इसीलिए डायरेक्टली मेरे जीमेल पे कोड चला गया ना, तो आपको व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी आएगा, और यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन भी आएगा, जो आपको बेहतर लगता है जिस पे आप इजीली कोड प्रोवाइड कर सकते हैं वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। तो मेरी तो भाई जीमेल पे कोड आ गया होगा, तो हम सिंपली यहां से जीमेल सर्च कर लेते हैं, जीमेल
ये रही भाई जीमेल, तो पहले तो बैक करेंगे जीमेल में और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई पूरा ही बैक हो गया, पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये वाली मेरी जीमेल है जिसपे कोड आया होगा आईजी मनीष मनीष करके। तो ये देखो हमारा कोड ये आ चुका है, इसको जस्ट हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी किया मैंने, ठीक है, और तो यहाँ पे मैं कोड इंटर कर दूंगा। तो इस तरीके से आपके मोबाइल नंबर पे अगर कोड आता है तो बस आपको कोड इंटर करना है, ठीक है, एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें नया पासवर्ड बनाना है ताकि हम अपना पासवर्ड पता कर सकें। तो मैं फटाक से अपना नया पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। तो भाई मैंने अपना नया पासवर्ड इंटर कर लिया और अब तो मुझे पता भी चल गया, जस्ट मुझे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेव कर सकता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम याद रहे मेरा पासवर्ड। देन आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ये पूछ रहा है कि आप अपने अकाउंट को लॉग इन रखना चाहते हैं या नहीं, ये जो पूछ रहा है आपके हिसाब से आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। देन आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज भी हो गया है और आपको पता भी लग गया है विदाउट एनी इशू। तो बहुत इजी यार फेसबुक का पासवर्ड पता करना या फिर चेंज करना। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर से लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।